लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। बाबागंज गोंडा सिंघोपुर गन्ना क्रय केंद्र के किसानों को मिल की ओर से पर्ची जारी कर दी गई। किसान गन्ना लेकर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन तौल शुरू न होने से आक्रोशित किसानों ने प्रदर्शन किया। दानीपुर थाना क्षेत्र के सिंघोपुर में क्षेत्र के किसानों का गन्ना खरीद करने के लिए मनकापुर चीनी मिल की ओर से क्रय केंद्र बनाया गया है, ताकि किसान अपने गन्ना के उपज आसानी से बेच सके। इसके लिए मिल की ओर से क्षेत्र के दर्जनों किसानों को पर्ची भी जारी कर दी गई। पर्चा जारी होने पर किसान गन्ने की सिलाई कराकर तौल के लिए केंद्र पर पहुंचने लगे, लेकिन यहां पर मिल प्रबंधन की ओर से तौल की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे किसान केंद्र पर गन्ना लाकर तौल का इंतजार कर रहे थे। बृहस्पतिवार को तौल व्यवस्था न होने से नाराज किसानों ने केंद्र पर हंगामा किया और प्रदर्शन करते हुए तौल शुरू कराए जाने की मांग की है। किसान विनोद पाठक ने बताया कि वह लोग गन्ने के साथ केंद्र पर यार्ड में खड़े तौल का इंतजार कर रहे हैं। रोज सुबह आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है। मिल अधिकारी सीडीओ ने बताया कि दूसरी तौल लिपिक तौल शुरू कराई गई है। प्रदर्शन करने वाले किसानों में विनोद पाठक, रिंकू शुक्ला, रंजीत पाटेश्वरी, प्रसाद तरुण, ओझा दद्दा शुक्ला, रविंद्र शुक्ला, विनोद शुक्ला सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। गोंडा से ब्यूरो सुशील तिवारी की रिपोर्ट। हाँ बोलो। विनोद कुमार शुक्ला। सुबह 6 बजे से हम लोग ठंडी में यहाँ आ गए हैं, चीनी मिल दतौली। अभी तक यहाँ बंसीपुरवा सी पर कोई बाबू तौल करने नहीं आया। सुबह से हम लोग ट्रैक्टर लिया, गाड़ी लिया, यहाँ खड़े हैं। प्रवासी गन्ना क्रय केंद्र के बाबू के मनमानी के ना आने के कारण तौल अभी बाधित है। 10 बाबू ना आने के कारण तौल बंद है।